शेखता से आपघात करवाओ। आपकी बहन शुभलखा जी आई है। शुभलखा धुआं देख कर जुतन केरा जाय शुभलखा रावण प्रेरा। हेलो माया और 21 रुपया राजेश नायक जी कुरकुरु प्रसिद्ध करते हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो आ गई चल लिया ऐसे चल लिया रही जैसे ऑपरेशन करा के आई हूँ। ए काय माता वेले ए तुम्हें शर्म नहीं लग रही मोली मोला चपेटी और भगल लगी। चलो ठीक है मगर ये सोना करो कि आप तो जाओ जाओ और दो चार को संग में ले जाओ। ये सोना करो हमारी जो माता बहने बैठी है ये रामलीला प्रेमी है चलो बैठी है इनको भी दिखाना है ठीक क्योंकि ये भी समय बरात कर रही है। महाराज आपकी बहन आई है शुभलखा जी सेवक जी जाओ सम्मान से दरबार में लेकर आओ। जाओ जाओ भाग जाओ एक आध झपका ले लियो जाओ जाओ। अरे अपने रोके बे ए तो हम डायरेक्ट में लोग आ जाए हाँ तो ऐसा कर नहीं है हम डायरेक्ट मिलो आते आप डायरेक्ट मिल लो हाँ ठीक है भैया कहो महेश रूपा देखिए तुम्हारी बहन की कैसी दुर्दशा हुई आपके होते हुए देखो भैया ये मैं क्या देख रहा हूँ रे बहन बोल जल्दी किसने तेरा हाल किया अरे पैदा कौन हुआ जालो जिसने तुझको पामाल किया मृत्यु कोला खौफ किया जिसने ये हाल बनाया है अरे किस नालायक मेरा करके ये सोता सिंह जगाया है ये सोता सिंह जगाया है। बोल बोल जल्दी क्यों हाय हाय अकुलाते उस जाने की ही देरी है कले हृदय के अपलाते कले हृदय की अपलाती। बोलो बहन भैया कहो आज मैं पंचवटी की ओर गई। मैंने सोचा चलो काफी दिनों से पंचवटी में मैंने भ्रमण नहीं किया तो आज भ्रमण के हेतु पंचवटी में जैसे ही पहुंची भैया तो सुने आप ए भाई दो लड़के राम लखन ए भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में नारी सुकुमारी सीता को वो अपने साथ लगाए है पंचवटी में भैया ऐसे रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं हो भैया मैं उधर या जवान के निकल पड़ी उस नारी से मिली ना चाहा उस नारी से अचानक निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा इतने में छोटे तपसी ने अरे मुझसे छलकल ना चाहा तुम्हारे साथ छलकल ना चाहा आपने मेरा नाम नहीं लिया नाम लिया भैया तो डर गए होंगे
डरे नहीं भैया, जो मैंने आपका नाम लिया जानते हो क्या कहा उन्होंने, और सुनते ही उसने दी गाली इतना दुशाहस। जैसे ही नाम लिया भैया, वैसे तो कुछ नहीं कह रहा था, जैसा मैंने आपका नाम लिया भैया तो सुनते ही उसने दी गाली, फिर मेरे कान कतर डाले भैया, मेरी नाक का काट डाली। अब मेरी नाक कटी सुकटी, पर भैया अपनी नाक सवाल हो तुम, उस जग में जिसकी ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम ही डालो तुम। वह शरूपा भैया गब नाक न हो उनके, अब मैं नाक रहे अब रखोगा, भेजा नथनों की राय करो, मिर्चों का लाश उड़े दूंगा, नारी पर नाक जवाले में नहीं होते धाक ऊंचे उनके, अब ना पर धाक जमाने में नहीं होती धाक ऊंचे उनके, मैं चला नाक के सीध में, अरे नकुए पर उनको पकड़ूंगा, तेरे आंखों के सामने दालों के नाक रगड़ दूंगा, यही दालों के नाक रगड़ दूंगा, हल्की लेके नाक छेद मैं नकेल जलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखला कर अलता तो चले दूंगा, ये धराधाम ये पाताल पिलाप शव मेरे भय से जीते हैं, बाघ बकरे जल एक घात पर पीते हैं, बहन स्वरूपा यह दुराचार यह समाचार क्या भाई खरदूषण से नहीं कहा, उल्टा तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। भैया कहो उनके समीप गई थी, कहा था क्या हुआ? जब मैंने कहा तो सेना लेकर के गए वहां, उनसे घोर संग्राम हुआ, मैं खड़ी देख रही थी, खड़ी खड़ी लाशों पे लाशें गिरती थी, जब मैंने देखा तो धरनी पर युद्ध की धार निकलती थी, मैंने भैया जब देखा तो उस बड़े तपसी ने उन सब का काम तमाम कर दिया, समाप्त कर दिया भैया। बहन स्वरूपा चिंतित न हो, अरे क्या तागे सोलन के, क्या तागे तागे धारे के, जो मेरे सलवा फरार है, अरे क्या तागे थे बलधारी की, जिसने यह घोर कुकर्म किया मैं उसका नाम मिटा दूंगा, तो करे मिट्टी में उन्हें मिला दूंगा, मिट्टी में उन्हें मिला दूंगा। बहन स्वरूपा जाओ महलों में उपचार करवाओ, मैं अवश्य बदला लूंगा, जाओ जैसी आज्ञा। समझाए कर बल बोलती बहु भांति, भवन गयउ अति सोच बस नींद परे नहीं रात। बहन स्वरूपा के द्वारा बताया गया, खरदूषण का संहार कर दिया गया, शौर अशौर नाग खंग माही मोरे अन सर को नाही, खरदूषण मोसम बलवंता तिन्हे कुमारे फिर भगवंता, शौर रंजल भंजन में भारा जो भगवान लीला उतारा, तो मैं जाओ बैर हट कर हो प्रभु सर तजय प्राण भक्तर हो, ही हो भजन न तामस देहा मम कृम बचन मंत्र दृढ़ेहा, जब एक अकेली ताकत ने उन शवीरों को मार दिया तो निश्चय ही सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया।
अपना परिचय देने को दिखलाई है युक्त मुझे, अब मिलना है पिछले बंधन से मुक्त मुझे। मैं बैर भाव रखूंगा पिछले बंधन से, उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। लड़ना नहीं मिलन है यह है, मृत्यु नहीं मोक्ष है यह है। वह भी हो सर उनका हो, भवसागर तरना है यह, भवसागर तरना है। बहन स्वरूपा के द्वारा बताया गया, उनके साथ एक नारी है। अवश्य इनका जवाब पत्थर से देना होगा। उन्होंने बहन स्वरूपा के नाक कान काटे, मैं उनके पतली का हरण करूंगा, हरण करूंगा, हरण करूंगा। लेकिन इस कार्य के लिए मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है। हाँ, याद आया, मामा मारिच माया में निपुण, माया का भंडार है, अवश्य मामा मारिच के पास चलना चाहिए। जय जय शंकर भगवान। चला अकेली जान चढ़ते ही बा, बस मारिच सिंधु तट जाएगा। दस मुखी गए ऊंचा मारी जा, दस मुखी गए करते। मामा के ग्रह आ गया हूँ, बुलाता हूँ। मामा मामा, ये लंकेश्वर तुम्हें बुलाता है। जय जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर भगवान की। हे कंचन नगरी सम्राट, लंका के भगवान, कहो मामा, आज हमारी कुटिया में पधारे हैं। मामा मारिच की कुटिया में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कहिए कहिए महाराज, आपका आना गजब ढा गया। वैसे आपका आना गजब ढा गया इसलिए जानना चाहता हूं आने का कारण क्या है। मामा, आने का विशेष कारण है, संकट में संग प्यारों का, अपने प्यारों का कर्म यही। न्योछावर राज मुकुट पर हो, प्रजाजनों का धर्म यही। मामा मुझ पर एक आफत आई है, बंधु मेरी सहाय करो, बस छोड़ी सी कठिनाई है। पंचवटी पर रघुवंशी बालक ने करनी बेहुदा की है, तृष्णा खरदूषण मारे नकटी शुभ लखा की है। अब इसका जवाब पत्थर से देना होगा, कट गई नाक भगने की तो भार्या उनके हरना होगा। तुम्हें करना क्या होगा मामा, तुम चल करके मायावी मृग बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं उनकी नाक चुराऊंगा। ये विशेष कारण है। बताओ कितनों इन्हें सर पना चढ़ो, जय सर रही पना का। महाराज कंचन नगरी सभा, वेदों के ज्ञाता हैं आप। हाँ, हाँ। आप चोरी करने जा रहे हैं एक स्त्री की, वो भी स्त्री माता है, जगदम्मा है, जगत की माता है। आप चोरी करने जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता, आपको शोभा नहीं देता। वैसे मैं आपका सेवक हूँ,
मेरा क्या फर्ज मैं आपको समझाऊं। मगर एक जो रिश्ता है सेवक के साथ मामा का, मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम हमारे भांजे हो, अवश्य मैं इस रिश्ते से तुमसे बड़ा हूं। उस कर्तव्य से मैं आपको समझा रहा हूं, हाथ जोड़कर आपसे विनय निवेदन है, समझाने तो पर ही महाराज कि आप ये जो काम ना करें, क्योंकि मैं भली भांति परिचय हूं। ओए विश्वामित्र यज्ञबाला, आज छूटा प्राण आंखों में, जिसने सोयो जन फेंका बोरा में मार आंखों में, घर दूसर तीसरा साक्षात नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है, जो इनसे बैर बढ़ाएंगे वो आखिर मारे जाएंगे, बे मौत बे भक्त बे घाट उतारे जाएंगे। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है शुभ काम करो, चोरी करना ठीक नहीं, अच्छे कर्म करने से घर में प्रकाश होता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश होता है। महाराज ये आप अपराध ना करें, आप हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। सर्वशक्ति ब्रह्मा है, ये सब जग का झूठा लाता है, क्या मैं तेरा चेला हूँ जो मुझको ज्ञान सिखाता है? यदि नहीं साथ देगा मेरा तो मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता हरने से पहले यम पर तुझे पहुंचा दूंगा। समझ गए, समझ गए, विचार कर लें दो महाराज, शीघ्र करो तुरंत। बीमारी तो हृदय हनुमान न मैं विरोधे नहीं कल्याण, नहीं है कल्याण। अब आ गया मेरा समय, मेरी मुक्ति का समय, भगवान के हाथों मारे जाएंगे उद्धार हो जाएगा, इनके हाथों से मारे जाएंगे, अगले जन्म में मेढक बने, सुखो मासे में टर 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 और सांप बन गए, काऊ की लठिया तरे आ गए, गोरा गोरा चटक जे, इसलिए भगवान के हाथों से मरेंगे उद्धार हो जाएगा, जो हमने इनका नमक खाया है उस कर्तव्य से हम अदा हो जाएंगे। महाराज जा रहे हैं, अवश्य ना तो मैंने सीखा ही नहीं, नहीं हम नहीं जा रहे हैं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, अवश्य जाओ, भगवान शंकर तो भाई रक्षा करे, भगवान शंकर आ रहा हो तो भंटिया छील बे, अब क्या कछु नहीं, देखो जो अपने मन से विचलित हो जाते उसकी पराजय हो जाती है। अच्छा, हाँ तुम वैसे ज्ञानी कह रहे थे भी ज्ञानी हो, माई को ध्यान ज्ञानी हो, ठीक है, और मामा वैसे भाने से बड़ा होता है, तो माई को ध्यान करियो, माई को। अरे जी तो बात की बात है, अकेली हो जाए ना, ना ऐसा नहीं होगा, जाओ भगवान शंकर तो भाई रक्षा करे, विजय हो विजय हो विजय हो, जाओ संगा चला राम पद प्रेमी अभंगा।